एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर। यहाँ कुछ समुदाय के लोग जो अखिल भारतीय साक्षरता प्रेरक सम्मेलन मोर्चा के माध्यम से यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या मांग है। इनके साथ में जो पुरुष हैं, वहीं इनके साथ में महिला भी हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं इनकी मांगें क्या हैं, किन मांगों को लेकर ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो ये पूरा समुदाय इकट्ठा करा, आप इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांगें हैं? जी, हमारी मांग हमको नियमित किया जाए, हमको केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा देते हुए केंद्रीय कर्मचारी को जो सारी सुविधा दी जाती है वो हम लोग को दी जाए। आपको क्यों मतलब केंद्रीय सरकार में लाया जाए, आपको ये केंद्र सरकार की सुविधा दी जाए? क्योंकि यह केंद्रीय योजना है और हम लोग को संविदा के तहत रखा गया है। हर पंचायत में रखा गया है दो प्रेरक, एक महिला और एक पुरुष, जहाँ संख्या हमारी 50% महिला 50% पुरुष है। और हम लोग को मात्र 2000 का मानदेय दिया जाता है और 2000 के मानदेय पे हम लोग आज तक काम कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बनी है भैया, 21 सितंबर को यह कार्यक्रम बंद हो रहा है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है कि इसको हम एक्सटेंशन करेंगे या इसको बंद करेंगे। और 30 महीने से हर राज्यों में लगभग मानदेय बाकी है, यहाँ तक प्रोग्राम कॉस्ट या अन्य सारी राशियाँ है वो हम लोग को नहीं मिल रही है। प्रेरक का काम क्या होता है? प्रेरक का काम है भैया, 15 वर्ष से जितने ऊंचे वर्ग के लोग हैं, आयु वर्ग के लोग हैं, निरक्षर है, उनको हम साक्षर करते हैं। और दूसरी चीज़ की जितनी भी सरकार की योजना है उसको हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उसको संपादित करते हैं और सूचना की खिड़की के रूप में काम करते हैं। पोलियो ड्यूटी हो, BLO हो, चाहे मतदाता जागरूकता हो, चाहे अन्य सारा काम है हम लोग करते हैं। जनधन योजना का खाता खुलवाना हो, आपदा प्रबंधन है, कोई भी काम हो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। लेकिन हम लोग 2000 के मानदेय पे काम कर रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। जबकि श्रम मंत्रालय ये बोल रहा है कि 18000 न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, वो हम लोग को नहीं मिल रही है, वो हम लोगों पर भी नहीं लागू हो रही है। हम लोग को समझिए कि भारत की नागरिकता से ही अलग रखा जाता है, हम लोग को अलग ही रखा जा रहा है। हम लोग लग नहीं रहा कि भारत के नागरिक है चाहे भारतवासी है, ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है। टोटल प्रेरक कितने हैं? लगभग हमारे 5 लाख पूरे भारत में प्रेरक हैं। 5 लाख? जी, अभी हरियाणा में बंद कर दिया गया, कर्नाटक में बंद कर दिया गया, गुजरात में भी बंद है, बहुत सारे राज्य में बंद कर दिया गया, उत्तराखंड में लेटर निकाल दिया गया कि 30 सितंबर के बाद स्वतः योजना बंद हो जाएगी। हो सकता है सभी राज्यों में धीरे धीरे इस योजना को बंद कर दी जाएगी, तो हमारे 5 लाख बेरोजगार प्रेरक कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, उनके परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? 5 लाख प्रेरक कहाँ जाएंगे, उनके परिवार का जीवन कैसे चलेगा, आइए और जानकारी।